आगामी 8 सितंबर को एमएसयू दरभंगा एम्स में हुई देरी के खिलाफ सरकार को जगाने हेतु सांकेतिक शिलान्यास आंदोलन करने जा रही है। विगत 1 अगस्त रविवार से मिथिला स्टूडेंट यूनियन एमएसयू ने दरभंगा एम्स के शिलान्यास के लिए गांव-गांव जाकर ईंट जमा करना शुरू किया था। इसी के कड़ी में अब आगे एमएसयू 8 सितंबर को दरभंगा एम्स संबंधित आंदोलन को मूर्त रूप देने जा रहा है। नागपुर एम्स 2014 में घोषित हुआ था, मात्र 4 साल के अंदर 2018 में बनकर तैयार हो गया और अब सेवा में है। गोरखपुर एम्स 2014 में घोषित हुआ, 2016 में शिलान्यास किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा और अब मात्र 3 साल के अंदर 2019 में ओपीडी शुरू हो गया है और अब सेवा में है। 2018 में तेलंगाना में एम्स घोषित हुआ, पार्शियली फंक्शनल है। 2017 में देवघर राजकोट में एम्स घोषित हुआ, दोनों जगह क्लास स्टार्टेड है। 2015 में विजयपुर विलासपुर गुवाहाटी में घोषित हुआ, क्लासेस शुरू है। वहीं दरभंगा एम्स आज तक इंतजार कर रहा है। सरकार, नेता और पार्टियां बार बार घोषणाएं करती है लेकिन अब तक कोई अपडेट नहीं है, इसलिए एमएसयू ने तय किया है अब खुद जनता दरभंगा एम्स का शिलान्यास करेगी। के साथ जितने भी एम्स घोषित हुए हैं, दरभंगा के बाद भी जितने एम्स घोषित हुए हैं, सब या तो बनकर तैयार है या बनने के लिए वहाँ पे क्लास चालू हो चुका है और 1-2 साल में बनकर तैयार हो जाए। लेकिन दरभंगा एम्स के निर्माण के लिए एक ईंट भी आज तक नहीं गाड़ा गया है। इसके लिए हमने प्रतिकार स्वरूप हम लोगों ने यह अनाउंस किया था कि हम घर घर से ईंटा लाएंगे और दरभंगा एम्स बनाएंगे, और हमने प्रशासन को आवेदन दिया था कि शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग गांव-गांव से आए कि हमारे जितने भी सेनानी हैं, समर्थक हैं, अभिभावक हैं, महिलाएं हैं, बहन हैं, सभी आएंगे और हम लोग प्रतीकात्मक रूप से शिलान्यास करेंगे। लेकिन प्रशासन ने हमें इसकी अनुमति नहीं दी है, प्रशासन ने कहा है कि अगवाई की जाए। तो हम यहाँ प्रशासन को एक संदेश देना चाहते हैं कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन प्रशासन से डरती नहीं है, हमें डर जनता से होता है। लोकतंत्र में जनता मालिक है और हम सिर्फ जनता से डरते हैं, जनता की बातों को मानते हैं। तो हमारा जो पूर्व कार्यक्रम है कि हम 8 को जाएंगे और शिलान्यास करेंगे, वो तो हम करेंगे, लेकिन प्रशासन से हमने वार्ता अभी फिर किया है और प्रशासन ने कहा है कि आप संख्या कम करिए क्योंकि 8 तारीख को एग्जाम भी है एल्युमिनियम शहर में और कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा हुआ है। तो हम प्रशासन की इस बात से सहमत हुए हैं कि हम 5,000 की जगह पे 1,000 या 1,500 लोगों के साथ आएंगे और हम प्रशासन को सहयोग करेंगे। और प्रशासन को यह फैसला लेना है कि प्रशासन एक कदम आगे बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती। हम लोगों ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जनता को तो हमने जगा दिया है, अब सरकार को जगाना है कि 6 साल में आप एक ईंट नहीं गाड़ सके, एक ईंट की तो बात छोड़िए, 6 साल में आप जमीन भी ट्रांसफर नहीं करवा सके। वहां अभी भी आप देखेंगे तो डीएमसीएच के SBI जो है ब्रांच वहां पे चल रहा है, अभी तक उस ब्रांच को नोटिस तक नहीं गया है कि आपको हटाना है या खाली करना है। तो हमें ऐसा लगता है कि जिस तरीके से कोसी नदी पे आप लोगों को मालूम होगा कि पुल बनना था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उसका जो है उद्घाटन किया, शिलान्यास किया था और मोदी जी ने जो है उद्घाटन किया है, तो हमें डर है कि एम्स भी कम से कम उसी तरह से 15 या 20 साल में बनेगी। इसलिए हम लोग सचेत हो गए हैं, हम लोग स्वतः मिथिला के लोग अब जग चुके हैं। और डीएमसीएच, स्वास्थ्य की बात करें तो 2016 में डीएमसीएच में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत डीएमसीएच को अपग्रेड करने का प्रस्ताव पास हुआ। 150 करोड़ की लागत से 1.5 साल में वो काम पूरा करना था, 2016 में प्रस्ताव पास हुआ और 2018 के मध्य में वो काम पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन आज तक डीएमसीएच में जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है उसका उद्घाटन नहीं हुआ है। तो जो हमारे पास्ट का अनुभव है, इससे हमें यह मालूम है और साफ प्रतीत होता है कि अगर मिथिला के लोग एम्स के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो एम्स भी 15 साल में 20 साल में बनेगा और एक ही मुद्दे पे ये वोट लेंगे। इसीलिए हम लोग करने जा रहे हैं एम्स का जो प्रस्तावित स्थल है कर्पूरी चौक वहां पर करने जा रहे हैं। अच्छा, एम्स का निर्माण तो सरकार करवाएगी, हम सांकेतिक करने जा रहे हैं। एम्स का निर्माण तो सरकार को करवाना है और सरकार से हम करवा के रहेंगे, ये हमारा पहला कार्यक्रम है। इसके बाद हम चुप नहीं बैठेंगे, हम सरकार को अल्टीमेटम देंगे और हम अगले कार्यक्रम की भी घोषणा करेंगे। जन समर्थन में है और MSU और MRNS कोई दो अलग संस्था नहीं है, हम दोनों एक ही हैं, एक ही फुलवारी के फूल हैं हम लोग। और यह तो जनता की मांग है, इस मांग कौन सी अनुचित बात कर रहे हैं MSU के लोग, मुझे ये बताइए आप कौन सी अनुचित बात कर रहे हैं। सरकार का काम है, नेताओं का काम है केवल घोषणा करना, घोषणा करके वोट ले लेना और पाग माला दुपट्टा बेचते रहना, ये काम है राजनेताओं का। राजनेताओं का काम है कि जनता की जो आकांक्षा है, उसकी जो एस्पिरेशन है, उसको फुलफिल किया जाए। तो वो एस्पिरेशंस तो फुलफिल नहीं हुई, जैसा बताया MSU के जो संस्थापक अध्यक्ष ने जो बताया है आपको, 6 साल बीत गए, वो क्या चाहते हैं कि 60 साल बीत जाए।
मिथिला के प्रति उनकी कोई दायित्व उनका दायित्व तो नहीं है। बिहार सरकार का काम केवल राजगीर और नालंदा है, उधर के ही तरफ उनको दिखता है क्या? मिथिला के तरफ देखने के लिए उनके पास दृष्टि बाधित हो जाती है। अगर वो नहीं करेंगे तो जनता फिर क्या करेगी? इसके पीछे क्या मंशा आपको लगती है? हम उसकी मंशा यही है बिहार सरकार की। बिहार सरकार के लोगों को और केंद्र सरकार के लोग केवल वोट लेना जानते हैं। वो सहानुभूति पूर्वक कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाकर, कभी अगड़ा पिछड़ा के नाम पर लड़ाकर वोट लेना जानते हैं। क्षेत्र विशेष की कभी भी किसी भी जो उनकी जायज मांग होती है वो जब तक उनके फायदे के लिए नहीं होती है तब तक वो नहीं मानेंगे। घोषणा करके एक बार उन्होंने वोट ले लिया, पूरा मिथिला से जीत गए एनडीए के कैंडिडेट। अब एक बार वो एक ईटा गाड़ देंगे, अगली बार फिर जीत जाएंगे, उसके बाद चार ईटा गाड़ेंगे, यही काम होता है क्या? आप धन पूरी ताकत के साथ इनके साथ हम लोग खड़े हैं। सरकार का कहना है निकलेगी तो मिथिला के लोगों में इतनी ताकत है, जिस हाथों में इतनी ताकत है कि वो सरकार बनाए तो उन हाथों में इतनी ताकत है कि वो अपने लिए एम्स का निर्माण भी करे। घोषणा कर दे कि उसकी उसका सामर्थ्य नहीं है यहाँ एम्स बनाना, मिथिला के लोग आगे बढ़कर अपने। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी, तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।